द वैक्सीन वॉर, विवेक अग्निहोत्री का द कश्मीर फाइल्स की तरह ये एक और फिल्म है जिसे देखने के बाद कुछ लोगों का कहना है ये एक प्रोपागंडा फिल्म है, और कुछ लोगों का ये मानना है जो कुछ भी कोविड के समय हुआ है या जो कुछ भी इस फिल्म में दिखाया गया है वो हमारी देश की रियलिटी है जो कि कोविड के समय हुआ है। और इस फिल्म में जो कुछ भी दिखाया गया है लोग इसे रियलिटी मानते ही ये फिल्म अपनी पहली और दूसरी दिन की तुलना में तीसरे दिन में 68% ज्यादा कमाई की है, और इस फिल्म को भारत की पहली बायोसाइंस फिल्म के रूप में प्रमोट किया गया है, क्योंकि ये फिल्म उन साइंटिस्टों की कहानी को पेश करने की कोशिश करती है जिन साइंटिस्टों ने पैंडेमिक के दौरान भारत की इंडिजिनस वैक्सीन कोवैक्सीन को बनाया था। इस फिल्म में नाना पाटेकर ने आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव का किरदार निभाया है। दूसरी तरफ पल्लवी जोशी, जिन्होंने एनआईवी का चीफ डॉक्टर प्रिया अब्राहम का किरदार निभाया है। इसके अलावा गिरिजा ओक, निवेदिता भट्टाचार्य, अनुपम खेर, राइमा सेन जैसी दिग्गज एक्टर इस फिल्म में बहुत ही अहम किरदार निभाया है। लेकिन इस फिल्म में साइंटिस्टों की जो अचीवमेंट है उससे ज्यादा जो विलेंस है, जो खलनायक है, जिस तरह से मीडिया को इस फिल्म में मेन विलन बनाया गया है, असल में ऐसा कुछ भी ज्यादा हुआ ही नहीं। क्या कोविड के समय आपने ये सुना है कोई भी न्यूज एजेंसी सरकार के गाइडलाइंस के खिलाफ बात कर रही है, आर्टिकल लिख रहा है? नहीं ना, मुझे तो ये भी याद नहीं आ रहा है कि पैंडेमिक के समय में ऐसे कुछ चीजों के बारे में सुना था या पढ़ा था। लेकिन 2 घंटे 41 मिनट की इस फिल्म में सबसे पहले जिस विलेंस को हमारे सामने लाया जाता है वो है चाइना। देखा गया है कि आईसीएमआर की कई साइंटिस्ट चाइना के ऊपर दुनिया पर बायो इकोनॉमिक वॉर छेड़ने का आरोप लगाता है, और इस वॉर में सिर्फ चाइना नहीं, इंटरनेशनल एजेंसीज और फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी शामिल है। राइमा सेन, द डेली वेयर का साइंस एडिटर, जिन्होंने रोहिणी सिंह धुलिया का किरदार निभाया है, उनकी किरदार को ऐसा दिखाया गया है जो भारत के बारे में एक के बाद एक झूठा आर्टिकल लिखती है, और पैंडेमिक के दौरान मरने वाले की जलने की चिता दफनाने की जो तस्वीर होती है उसे फॉरेन मीडिया को बेचती है, और विदेशी टूलकिट के आधार पर भारत की जो इंडिजिनस वैक्सीन है उसके बारे में पूरे देश में झिझक फैलाई जाती है। और इसे फिल्म में इस तरह से दिखाया गया है कि ऐसे सिर्फ भारत के कोई दुश्मनी कर सकता है। फिल्म में दिखाया गया इस नैरेटिव को अगर सच मान लिया जाता है तो सभी जर्नलिस्ट फॉरेन एंटिटीज की पेरोल पर एक आतंकवादी है जो आईसीएमआर की वैक्सीन को सब स्टैंडर्ड वैक्सीन का कहानी बनाकर भारत को नीचा दिखाना चाहता है। और अंत में तीसरा विलन उन सबको कहा जाता है जो भारत सरकार के साथ नहीं है, जैसा कि हु एक हेल्पलेस संस्था है, इंटरनेशनल एजेंसीज भारत की इंडिजिनस वैक्सीन को मंजूरी नहीं देता है, दिल्ली सरकार जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन अपने पास रखती है, विदेशी फार्मा कंपनी और वैक्सीन मैन्युफैक्चरर भारत को ब्लैकमेल करती है। इससे ये दर्शाता है कि भारत सरकार को छोड़कर सभी दोषी है, और आईसीएमआर और एनआईवी टीमों के पास हमेशा पर्याप्त लोगों की कमी दिखाई जाती है। इसके अलावा एक मीडिया हाउस के पास भारत सरकार से भी ज्यादा रिसोर्सेज होती है और उन्हें फॉरेन मीडिया से मदद भी मिलती है, और तो और कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान लूपहोल्स दिखाया जाता है। पॉलिटिकल पर्पस के लिए वैक्सीन को जल्द ही मार्केट में लाया जाता है, लेकिन इस फिल्म में जिन जिन चीजों को अवॉइड किया गया है वो है, इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हब है। इसके अलावा इनफैक्ट अग्निहोत्री ने अपनी फिल्म के जरिए लोगों को ये दिखाया, भारत सरकार को छोड़कर किसी ने भी हमारी देश के साइंटिस्ट के ऊपर भरोसा नहीं किया, उनका परवाह नहीं किया, उन पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या आपने हमारी देश की साइंटिस्टों के ऊपर भरोसा नहीं किया? क्या आपने उनका बनाया हुआ कोवैक्सीन को नहीं लगवाया? कई सालों से इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज अलग अलग इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स के लिए ग्लोबली 50% से भी ज्यादा वैक्सीन सप्लाई करता है। इसके अलावा सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। 2021 में जर्मन बेस्ड डॉयचे बेले के एक रिपोर्ट के मुताबिक एसआईआई, भारत बायोटेक, पेनिसिया बायोटेक, सानोफी सांता बायोटेक्निक्स, बायोलॉजिकल ई एटसेट्रा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के पास हर साल डिफरेंट वैक्सीन की 8.2 बिलियन डोजेस बनाने का क्षमता है। ये फिल्म सबसे अच्छा जो काम किया है वो ये है, कैसे वोमेन साइंटिस्ट वैक्सीन डेवलपमेंट में प्रमुख योगदान किया है। इस बात से कोई इनकार ये नहीं कर रहा है कि इंडियन साइंटिस्टों ने कितने कम समय के अंदर वैक्सीन को बनाया, इसकी कहानी बताई जानी चाहिए थी, लेकिन द वैक्सीन वॉर वो कहानी नहीं है। फिलहाल इसमें आप लोगों का क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।